नागपुर महानगरपालिका की ओर से स्वच्छता मुहिम के चलते कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कुत्तों के बारे में। अगर आप अपने घर के कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो उससे गंदगी कर दी तो आपको 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही शहर में जो आवारा कुत्ते हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे कुत्तों के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। फर्स्ट ऑर्डर ये है कि फीडिंग बंद कर दो। फीडिंग बंद करने से फीडिंग जो हो रही है वो डॉग्स के बेनिफिट्स के लिए हो रही है, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हो रही है, राइट? अगर फीडिंग बंद कर देंगे तो डॉग्स एग्रेसिव हो जाएंगे, अभी वो एट प्रेजेंट उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फीडिंग बंद करवानी है तो आपको उसको धीरे धीरे बंद करवाना पड़ेगा। एक साथ अगर आप बोलोगे कि उसको बंद कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है, डॉग एग्रेसिव हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप उनका रजिस्टर करके घर लेके जाओ। घर में मैं अगर रखना चाहूँ तो मुझे, मैं अगर 50 कुत्ते फीड कर रही हूँ, मैं रखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी सोसाइटी के लोग रखने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको रखेंगे कहाँ? वो एक इश्यूज़ हम लोगों को बता रहा है कि फीडिंग मत रोकिए, फीडिंग करने से चीज़ें खराब होगी। एक ही रहा है कि 1 लाख डॉग्स हैं। इनका कहना है कि हमने 60% डॉग ऑपरेट किए हैं पिछले 10 साल में। जब 60% डॉग 1 लाख में से 60,000 डॉग ऑपरेट हो गए, मतलब 60% डॉग ऑपरेट हो चुके, तो फिर बाकी के एनजीओज भी वर्किंग कर रहे हैं। मैंने खुद 3,000 डॉग्स मेरे एनजीओ के अंडर ऑपरेट किए। रीना मैम आपने भी कुछ किए होंगे। हाँ, मैंने भी, इन्होंने भी कुछ 2,000 डॉग्स इन्होंने ऑपरेट किए हैं, तो फिर तो मतलब 75% डॉग्स ऑपरेट हो चुके हैं, तो ये पॉपुलेशन इतनी ग्रो कैसे हो गई? हाँ जी, मुझे पूरा पूरा डाउट है, क्योंकि इन्होंने जितना चीज़ लिख के दी है वो सिर्फ पेपर पे दी है, इसका प्रूफ वो नहीं कर सकते। स्टरलाइजेशन जो हुआ था उसके ऊपर हम लोगों को बोलने की, जो स्टरलाइजेशन सेंटर था वो अलग अलग जगह पे किया जाता था। एक स्पेसिफिक स्टरलाइजेशन सेंटर नागपुर में नहीं है जहाँ पर सारे डॉग्स ऑपरेट किए जाए। कोई ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर सर्विसेज नहीं होती, सीसीटीवी कैमरेज उनके नहीं होते। एक मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करने जाओ तो उसके लिए भी कैमरे लगते हैं, उसके अंडर ऑपरेशन होते हैं, पेपर वर्क कुछ नहीं किया जाता है। डॉग्स कहाँ से पकड़े जा रहे, कहाँ छोड़े जा रहे, उसका कोई डेटा इनके पास नहीं होता। डॉग्स टेरिटरी एनिमल है, वो एक एरिया एक लेन छोड़ के भी दूसरे लेन में जाएगा तो डॉग फाइट बढ़ जाएगी, डॉग बाइट्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तब ध्यान नहीं दी गई। स्टरलाइजेशन सेंटर से कुछ डॉग्स गायब हो गए जो मैंने दिए थे, उसके ऊपर भी मैंने उनसे आरटीआई मांगी थी, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और बहुत से सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।